जी खैर गुड, पर खैर वो तो एक बेसिक सा आइडिया था IFRS 9 की डेफिनेशन पे, को इसका आज हम जरा उसको आगे लेके जाते हैं, अकाउंटिंग सीखते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाली। ओके चलें जी आगे। हमने कहा भाई, हमने कल यहां पे खत्म किया था, इन्वेस्टर इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा या डेट सिक्योरिटी में, इशूअर या तो इक्विटी सिक्योरिटी इशू करेगा या डेट सिक्योरिटी। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर। लिखें अपने पास, आज हम लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर। अच्छा भाई जरा फोकस होकर सुनिएगा आज, क्योंकि पहली अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आप जब IAS 16 यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करते हैं तो उसमें कितने तरीके के मॉडल्स थे? दो तरीके के। पहला कॉस्ट मॉडल, दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल। बस वापस से याद रखने, एक बार फिर से रिकैप करवाता हूं। मैंने कहा जब हमने FAR 1 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखा था तो आपके पास दो मॉडल ऑफ अकाउंटिंग अलाउड थी, एक था कॉस्ट मॉडल, दूसरा था फेयर वैल्यू मॉडल। वो आपकी चॉइस थी ना कि या तो इधर या तो उधर, ये गेम था, वो हमने सीखा था। यहां पे भी देखो शुरुआत होती है मॉडल ऑफ अकाउंटिंग से। वो कहता है पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि आपने कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया। जवाब आता है सर इक्विटी सिक्योरिटी। हमने पहले क्या पिक की है? इक्विटी सिक्योरिटी। इसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं। मैंने कहा जब इक्विटी अकाउंटिंग की, आप इक्विटी सिक्योरिटीज की अकाउंटिंग सीखेंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉडल मुझे ऑप्ट करना है। ये कहता है कि यहां पे एक ही मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल। कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा जी, मैं जरा यहां पे इसको चेंज भी करूं साथ में। अच्छा जी, यहां पे वो कहता ये है कि भाई आपने एक ही मॉडल ऑप्ट करना है जिसका नाम है भाई फेयर वैल्यू मॉडल। जैसे हमारा IAS 16 में था कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू। बट वो कहता ये है कि फेयर वैल्यू मॉडल में भी आप सदा ये देखिएगा कि आपको दो चीजें अलाउड हैं, एक है फेयर वैल्यू थ्रू OCI और एक है फेयर वैल्यू थ्रू PNL। अब जरा इन दोनों चीजों को समझना हमने बहुत सुकून और तामुल से, प्लीज सुनिएगा भाई। मैंने कहा आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में जाके ₹25 का एक शेयर परचेज किया। कितने का? ₹25 का। मैं कहूंगा ये ₹25 इस शेयर की फेयर वैल्यू है, ये ₹25 शेयर की फेयर वैल्यू है। मैंने कहा कि भाई ये आ गई फेयर वैल्यू। आपने कहा सर 25 पर शेयर। अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने एक ही शेयर परचेज किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रखना किस पे? फेयर वैल्यू पे। या तो वो होगा फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू PNL। अब इसका मतलब समझना है। हुआ क्या हुआ, ये कि 31 दिसंबर के ऊपर आपके शेयर की जो फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो हो गई 35। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे नुकसान हुआ या फायदा? फायदा हुआ, पक्की बात है। कितने का? ₹10 पर शेयर का, क्योंकि एक ही शेयर खरीदा है मैंने। अच्छा, अब इस कंपनी ने क्या किया, एक एंट्री बनाई, अपनी इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट किया, OCI। आप मुझे एक बात बताएं, समझने की बात है, क्योंकि हम रिकैप कर रहे हैं पिछला भी। आपको यह बात याद आ रही होगी कि हमारे पास सेल्स आती है, COGS आती है, उसके पास आता है GP। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, उसके बाद क्या आता है सर? आप कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसमें से क्या माइनस होता है? टैक्स। अच्छा, टैक्स माइनस हो गया, आप समझे ये प्रॉफिट हो गया, ये चला जाता है रिटेन अर्निंग में, ये कहां जाता है? अच्छा, इसके बाद आप जो भी इनकम कमाते हैं उसको हम कहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
इसको समझने की बात है, फिर रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद आप जो भी इनकम कमाते हैं वो क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, फिर इसके बाद शुरू होता है ओसीआई। तो अगर मैं यहां पर यह बात कहूं कि सर मैं इसको उठा के यहां ले जाऊं और मैं ये आपको कहूं कि भाई इसके बाद आपने ओसीआई पार करना होता है, यहां पे ओसीआई कितने का है? 10 का। ये 10 रिटेन अर्निंग के बजाय रिजर्व में जाएगा। ये 10 रिटेन अर्निंग के बजाय कहां जाएगा बच्चों? रिजर्व में। अब जरा सुकून से इस बात को समझते हैं। मैं फिर ऊपर आ गया, अभी मैं ओसीआई का मतलब समझा रहा हूं। मैं कंपनी हूं, मैंने एक शेयर खरीदा, जल्दी बताओ कितने का? ये 25 रुपए डे वन की फेयर वैल्यू है। ये 25 रुपए डे वन की, मैंने डे वन पे एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, मेरी जेब से भी पैसा चला गया, एक एसेट आ गया। अब उस इन्वेस्टमेंट को ये पत्थर पे लकीर है किस पे रखना है? फेयर वैल्यू पे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप रखेंगे उसको फेयर वैल्यू पे और उसका जो भी फेयर वैल्यू का गेन होगा वो लेके जाएंगे थ्रू ओसीआई, यानी उसकी अकाउंटिंग किसके जरिए करेंगे? ओसीआई के जरिए। देखो इसका मतलब समझा रहा हूं सिर्फ अभी। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब यह है कि आपने उसको रखना फेयर वैल्यू पे है और फेयर वैल्यू के जो भी चेंजेस हैं वो कहां से रूट होंगे? ओसीआई से। फिर मेरा आपसे सवाल है, क्या ओसीआई पीएनएल का पार्ट है या पीएनएल के बाद है? वापस से, ओसीआई पीएनएल का पार्ट है या पीएनएल के बाद है? अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछूं, जो भी मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कमाऊंगा क्या वो रिटेन अर्निंग में जाएगी या अलग से रिजर्व में? सर अल्लाह की कसम वो जाएगी अलग से रिजर्व में, जाएगी एक्विटी में। पर वो एक्विटी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होंगे या अनडिस्ट्रीब्यूटेबल? क्योंकि वो रिजर्व में जा रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता था या ओसीआई में जाता था? पर वो पर्टेन करता था पीपी से रिलेटेड, ये पर्टेन करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आगे जाके ऐसे सवाल आएंगे जिसमें पीपी की अकाउंटिंग भी डाली हुई है, और मैं आपसे रिपोर्टिंग में ये पूछूंगा, मुझे बताओ ओसीआई फॉर द ईयर कितना है और एजेट का बैलेंस कितना है? क्योंकि फॉर द ईयर तो एक साल हो गया, एजेट मतलब आज तक हो गया, वो आगे देखते हैं। पहले अभी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट चलते हैं। खैर बात समझिएगा, मैंने ये कहा कि भाई आज के बाद मैं आपसे पूछूं आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर, तो आप बोलेंगे सर आपको जो अलाउड है वो कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू। कॉस्ट पे नहीं रख सकते, किस पे रखेंगे? अच्छा, पहला जवाब आ गया। दूसरा, सर फिर आप बोलेंगे या तो मैं रखूंगा फेयर वैल्यू थ्रू, या तो फेयर वैल्यू थ्रू। अच्छा, अब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और पीएनएल का फर्क समझते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब यह है कि मैं हर साल के आखिर में उसको किस पे रखूंगा? फेयर वैल्यू पे। हर साल के आखिर में किस पे रखूंगा? बट उसके चेंजेस या गेन या लॉस जो भी होगा कहां से लेके जाऊंगा? ओसीआई से। यहां तक क्लैरिटी है? आगे सुनो, मैंने कहा अगर व्हाट इफ मैंने ये वाली पॉलिसी ऑप्ट की हुई है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो गेन कहां जाता? अदर इनकम में, पीएनएल में, फेयर वैल्यू गेन के नाम से। तो क्या उसका प्रॉफिट पे हिट होता? और वो प्रॉफिट से होके कहां जाता? रिटेन अर्निंग के। तो सर अब अगर मैं यहां पर वापस आऊं तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपने यहां पर कंक्लूड करना है तो रखना हमेशा किस पे? फेयर वैल्यू पे। पर वो फेयर वैल्यू होगी या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। पहले बताओ ये बात समझिए, कभी खाली मतलब बताया, क्या मैंने ये सिखाया कि वो कब यूज करेंगे ये कब यूज करेंगे? अभी क्या बताया? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्या होता है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्या होता है। चलें जी अब जरा बात समझिएगा फोकस के साथ। मैंने कहा मैंने सिक्योरिटी खरीदी 25 रुपए की, कितने की हो गई? कितने का गेन? 10 का। ये 10 रुपए का गेन या तो मैं ओसीआई में लेके जाऊंगा या पीएनएल में, डिपेंडिंग अपॉन माई चॉइस ऑफ पॉलिसी, माई चॉइस ऑफ पॉलिसी। अच्छा, यहां पे क्या ऑप्शन कॉस्ट वर्सेस फेयर वैल्यू है या फेयर वैल्यू में ओसीआई पीएनएल? फेयर वैल्यू में ओसीआई पीएनएल, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, कहानी सुनाता हूं, जिसकी वजह से ये लॉन्च किया गया। इससे पहले ये नहीं था, इससे पहले आपके IS-39 थे, दूसरे IFRS थे, इसके बाद आया IFRS 9 जिसमें ये सारे चक्कर खत्म हो गए। सुनिएगा, कंपनीज ने गेम करना शुरू किया, जरा कंपनी का गेम समझो। कंपनी ने सिक्योरिटी खरीदी, सिक्योरिटी मतलब कौन सी सिक्योरिटी? एक्विटी सिक्योरिटी। कंपनी ने 25 रुपए का शेयर लिया और 1,00,000 शेयर खरीदे, तो 1,00,000 × 25 कितना हो गया? 25,00,000 रुपए। 25,00,000 रुपए के शेयर खरीदे और एक शेयर हो गया 35 का, क्या मैं कह सकता हूं मुझे 1,000,000 का गेन हो गया? 1,000,000 का गेन। कंपनी ने पता है गेम करना शुरू की, कंपनी ने बोला फायदा हुआ ना, तो मेरी पॉलिसी थी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल,
कंपनी ने क्या बोला, मेरा फायदा है तो मेरी पॉलिसी कौन सी है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। वो कहां चले गया, इस वाली चुरंगी पे, उस वाली पे, उस वाली पे। वेरी गुड, फायदा हुआ तो अच्छा हुआ, क्या अगले साल लॉस हो गया। कंपनी ने कहा नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो आप यार, हम तो किस पे थे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए पे। तो ओसीए में लॉस बुक नहीं होता क्या, होता है, बट उसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट, वो बैलेंस शीट में नेगेटिव रिजर्व आ जाएगा, वो बैलेंस शीट में, और नीचे ओसीए में दिख रहा होगा, उससे ईपीएस का कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज को रोकने के लिए, ताकि कोई मैन्युपुलेशन ना हो, स्टैंडर्ड ने यह कहा कि आपने इंसान का बच्चा बनके एक मॉडल फॉलो करना है, सब्जेक्ट टू आपकी नियत, सब्जेक्ट टू आपकी नियत। अब नियत क्या, जरा ये देख लेते हैं। अगर वो कह ये रहा है, अगर आपको इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, अगर आपने इन शेयर्स को किसके लिए रखना है, अच्छा अब हमने कहा भाई अगर शेयर्स को मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो वो ये कह रहा है, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, लॉन्ग टर्म को आईएफआरएस 9 ने जो अल्फाज दिए, जो शब्द दिए, वो थे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। क्या बोला, अच्छा ये सारे में क्योंकि एमसीक्यूज भी कवर करवा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है अगर आपने शेयर्स खरीदे इस नियत से, क्या आप इसको लंबे अरसे के लिए अपने पास रखेंगे, तो आपको जो मॉडल दिया जाता है वो दिया जाता है फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू में भी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों, उसने बोला देखो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, जैसे आप पीपी में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या रोज खरीदते बेचते हो, ये लंबे अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए ना, उसका फेयर वैल्यू का गेन कहां जाता है, ओसीआई में, तो इसका भी कहां जाएगा, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसमें और उसमें फर्क यह है कि आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेप्रिशिएट, पीपी यूज होता है तो इसलिए डेप्रिशिएट होता है, पहले तो दोनों में फर्क क्लियर है। चलें जी आज के बाद, अच्छा देखो एक गेम क्या है समझने की, गेम यह है समझने की फोकस के साथ, अगर एग्जाम में आपको सवाल दिया और आपने गलत अकाउंटिंग पिक की, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एक नंबर भी, क्योंकि आपको सवाल में लिख के दिया उसने कंपनी एक्वायर 25,000 शेयर्स ऑफ एक्सवाईजी कंपनी एंड कंपनीज इंटेंशन इज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपने कौन सी अकाउंटिंग करनी है, बेवकूफी नहीं करना कि फेयर वैल्यू टू पीएनएल की, वरना आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली भी आपने जाके यही चेक करना है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा भाई यार एक काम करना, खाली उसको बुला दे, ये चल नहीं रहा, उसको बुला देना, हाँ मुर्तजा को बुला दे ताकि ये चला लूं। खैर आगे, अब मुझे एक और बात बताओ प्लीज फोकस के साथ, भाई के बैठ जाए यहीं से ही चला देना डायरेक्ट, बुला ले चल उसको वैसे ही। आगे अब फिर वो कहता ये है कि भाई आपने अगर शेयर परचेस किए 25,000 और आपकी नियत ये है, प्लीज सुनिएगा यार, आपकी नियत ये है आप उसको खरीदेंगे बेचेंगे, इसको हम आईएफआरएस की जबान में कहते हैं हेल्ड फॉर सेल। क्या कहते हैं, हेल्ड फॉर सेल, बहुत सुकून से समझिएगा, मैंने आपको वापस से बता रहा हूं, यहां पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं अभी। मैंने कहा कि भाई आपने एक कंपनी के शेयर्स परचेस किए और आपने नियत की, आज आपने नियत की कि भाई मैं इस कंपनी के शेयर्स को बेचूंगा खरीदूंगा, मैंने इसको रखा हुआ है ट्रेडिंग पर्पज के लिए। कौन से पर्पज के लिए, ट्रेडिंग पर्पज के लिए। तो आपके लिए जो मॉडल रखा गया है वो कौन सा रखा गया है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा इसको हम कहते हैं इररिवोकेबल ऑप्शन, इसको हम कहते हैं इररिवोकेबल ऑप्शन। का मतलब यह है कि एक बार अगर आपने एक चुरंगी को पिक किया, आप यहां से वहां और वहां से यहां क्यों नहीं आ सकते, जल्दी जल्दी, क्योंकि दो नंबरी अलाउड। अच्छा व्हाट इफ अलाउ कर दे तो क्या मसला है, क्योंकि वो जब चाहेगा अपने प्रॉफिट को मैन्युपुलेट कर सकेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब फेयर वैल्यू पर रखते हो तो गेन कहां जाता है, लॉस कहां जाता है, क्या उसमें कोई गुंजाइश है, उसमें गुंजाइश नहीं है। तो भाई फिर इसमें भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ना। तो लोगों की ये हरकत को खत्म करने के लिए उसने कहा आपके लिए कितने मॉडल हैं जल्दी बताओ, या तो फेयर वैल्यू थ्रू। अब मैं आपको इसके बेसिस ऑफ कंक्लूजन बताता हूं, जो इस आईएफआरएस को बनाते वक्त जब बोर्ड ने फाइनल किया था तो लिखा था हमने क्यों बनाया ऐसा, समझिएगा। उसने कहा यह बनाने की लॉजिक यह है कि जो कंपनी कह रही है मुझे इसको लंबे अरसे के लिए अपने पास रखना है, मैं बिला वजह अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्टॉर्ट नहीं करूंगी।
बात समझें भाई, एक कंपनी कह रही है मुझे रखना ही इसको लंबे अरसे के लिए, मेरा फेयर वैल्यू गेन कमाने का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं जो पॉलिसी ऑप्ट करूंगा वो कौन सी होगी? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए, क्योंकि वो कंपनी खुद चाह रही है कि मुझे पीएनएल पे कोई हिट नहीं चाहिए। पर एक ऐसी कंपनी है इसके वर्क्स जो ये कह रही है कि भाई मुझे तो इसका मकसद ही इससे कमाना है, खरीदना बेचना, तो फिर उस कंपनी के लिए कौन सा मॉडल है? पीएनएल। तो वो बोल रहा है जैसी आपकी मस्ती है वैसी आपकी अकाउंटिंग है, आपको मस्ती है कि आपने जल्दबाजी में कमाना है तो आप कौन से पे चले जाए? पीएनएल। और अगर आपको लंबे अरसे के लिए रखना है तो कहां चले जाए? ओसीए। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? पक्की बात है, जानी पीछे क्लियर है? यार इसको सही कर दे भाई, ये नेट नहीं चल रहा ये वाला, बल्कि जी तार सही नहीं थी। अच्छा जी, अब आगे फोकस के साथ, हमने कहा सर अगर मैं यहां पर ये कहूं कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब यह है कि आपने रखना किस पे? फेयर वैल्यू पे, एंड फेयर वैल्यू का गेन या लॉस कहां जाएगा? चाहे गेन हो, आपने डिसाइड कब करना है? डे वन पे। और डे वन पे जो डिसाइड कर लिया उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इरेवोकेबल ऑप्शन। बोल के दिखाओ क्या कहेंगे, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में बोलेगा एट डे वन देयर इज डैश ऑप्शन टू एक्सरसाइज वेदर टू कीप योर सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो उस खाली जगह में आपने क्या लिखना है? इरेवोकेबल ऑप्शन। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? चले जी, आई होप अब सही चलेगा। अच्छा दूसरा रीड करो, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर लिखा हुआ है मतलब ये कि रखेंगे किस पे? फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू का गेन और लॉस कहां जाएगा? पीएनएल में। अच्छा आप पहले बताओ, अकाउंटिंग शुरू करने से पहले क्या ये लॉजिक समझ आ गई, दो मॉडल्स क्यों है? ताकि कोई मैनिपुलेशन, और कौन सा ऑप्शन है? इरेवोकेबल ऑप्शन है। चलिए जी, अब मैंने यहां पे एक इलस्ट्रेशन बनाई थी इसकी, मैंने 1000 शेयर खरीदे कितने के? अच्छा मैंने पहले दिन की ये एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर मैंने कहा रिपोर्टिंग पर 31 दिसंबर के ऊपर रेट हो गया कितना, फायदा हुआ नुकसान? फायदा। हमने कहा भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल। अच्छा मैंने कहा व्हाट इफ अगर रिपोर्टिंग पे रेट हो जाता कितना, 17, तो कंपनीज ने क्या करना शुरू किया था, ओसीआई डेबिट इन्वेस्टमेंट। क्या ये अलाउड है? गेन होगा तो भी पीएनएल, लॉस होगा और गेन होगा तो भी ओसीआई लॉस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस विच यू हैव ऑप्टेड। क्लियर है? तो मैं यहां पे तुम्हें कंडीशन बता देता हूं, यहां पे कब आएंगे जब क्या होगी, और यहां पे कब आएंगे? इस पूरे चार्ट को कॉपी कर लो जल्दी से। इरेवोकेबल ऑप्शन वाली बात यह है हमजा जानी कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया, अब आप उस बात से मुकर नहीं सकते। बिल्कुल इसके आधे बस अभी एंट्री सीखेंगे ना, अभी तो खाली मॉडल समझे। आखिरी एंट्री बता रहा हूं मैं, देखो आखिरी एंट्री में मैंने किया ये सिंपल के लॉस हुआ ना मुझे 3000 रुपए का, अगर मेरी वैल्यू 17 पर शेयर हो जाती तो कंपनी क्या किया करती थी पहले कि ओसीआई को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, यानी जब फायदा हो रहा था तो पीएनएल, लॉस हो रहा था तो ओसीआई। तो ये कैसे निकला है 3000? 3 × 1000, 3 रुपए का लॉस है ना एक शेयर के ऊपर, सही है? हाँ जी कोई सवाल था? ये क्लियर है? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ओसीआई मतलब बैलेंस शीट में नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव लॉस पड़ा हुआ है ना। अभी उसकी अकाउंटिंग सीखते हैं। सर कंपनी इज इन बेनिफिट इफ प्रॉफिट अंडर स्टेटेड। नहीं भाई क्या कह रहे हो, प्रॉफिट अगर अंडर स्टेट होगा तो कंपनी बेनिफिट में कैसे आएगी, नुकसान है। अब तुम ये बोल रहे होगे कि 30 रुपए का टैक्स बचाने के लिए 70 रुपए की इनकम भी नहीं कमाऊं। हाँ ऑडिट में बच्चे पूछते हैं सीए फाइनल में कि सर अगर मैं टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट को उड़ा दूं, अबे मैंने कहा तू 100 रुपए कमा के 30 रुपए बचाने के चक्कर में ऊपर 70 रुपए की इनकम उसको नहीं कमानी है, सोच छोटी नहीं रखो भाई। टैक्स बचाने के, टैक्स इवेजन के कुछ और तरीके हैं,
कि आप सेपरेट स्लैब में उसको लेके चले जाएं, कुछ मैन्युपुलेशन कर लें, ये सारी चीज़ें। अब तो किया तो नहीं है ना, मतलब वो पैसे इसके हैं वैसे। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर क्या एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि आपने कौन सी नीयत की है? यस, अदरवाइज आप अजम्पशन लिखेंगे कि मैं समझ रहा हूं कि इसकी नीयत यह है कि ये करना है। जी जी बिल्कुल शुएब, कॉपी हो गया ये जानी। अच्छा, ताहा कह रहे हैं सर इंटेंशन अगर ड्यूरिंग द ये चेंज हो जाए तो बेटा ऐसा नहीं है ना, ये नीयत अगर बदल ली आपने बीच में तो आपने गेन और लॉस कहाँ लेके जाना है? ओसीआई तो ओसीआई, पीएनएल तो पीएनएल। तो इससे पहले जो एग्जांपल थी उसमें नीयत ही तो चेंज हो रही थी, बट क्या वो जेन्युइन थी? नहीं। वो कह रहे हैं इंसानों की तरह उस पोर्टफोलियो में रखो जहां पर तुम्हारी ट्रेडिंग हो रही है, उस पोर्टफोलियो में रखो जहां पर तुम्हारी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। मैटर चेंज करना चाहे तो ये थोड़ी ना शेयर खरीद के तौबा कर लेगा, अबे यार क्या कर लिया ये, उधर चला जाता हूँ। अबे ऐसी सीपी से इजाजत तो ले लें, पर ऑडिटर के जग मानने आया हुआ है। ऑडिटर बोलेगा कि भाई आपने इन सिक्योरिटीज को खरीदने से पहले बोर्ड का अप्रूवल लिया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स लिखते हैं कि भाई हमारी इंटेंशन ये है कि हम इसको इस पोर्टफोलियो में रखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म है, उसमें मूवमेंट्स ऑब्जर्व नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये मैन्युपुलेशन को बचाने के लिए ही तो ये है, अदरवाइज तो हर कंपनी अपने हिसाब से प्रॉफिट को हिला सकती है, जो कि अलाउड नहीं है। नहीं, चेंज करते हैं तो पहले तो चेंज अलाउड ही नहीं है ना। आईएसएड, चलो सुनो, एक मिनट सुनो, आईएसएड अप्लाई होगा या तो एरर हो या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो। अब मुझे एक बार बताओ, ऑल टुगेदर एक साल के प्रॉफिट को बचाने के लिए आप पीछे रेट्रोस्पेक्टिव 3 साल एडजस्ट करोगे? लॉजिकल बात है ना। आप आइए सेट बिल्कुल अप्लाई करो, फिर वो कैसे होगा? रेट्रोस्पेक्टिवली, तो फिर कंपेरेबिलिटी का भी मसला आ जाएगा ना, वो मसला है। चलिए जी, जानी हो गया कॉपी, अब करते हैं इसकी अकाउंटिंग। अगर कॉपी हो चुका है, क्लियर है? ओके जी, इलस्ट्रेशन और ऊपर लिखा हुआ है विदाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखो इलस्ट्रेशन है विदाउट, इसका मतलब समझा देता हूं। सबसे ऊपर नहीं आ रहा क्या? हाँ, अच्छा, खैर, इलस्ट्रेशन आ रहा है वहां पे, इलस्ट्रेशन विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलो जी, खैर है, मैंने बता दिया ना, यकीन कर लो। ओके, इलस्ट्रेशन विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्लीज फोकस के साथ सुनना, ये एक अहम चीज है। इधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब समझा देता हूं। आप जब शेयर्स खरीदने जाते हैं ना, तो कंपनी के बाहर खड़े होकर कंपनी की शक्ल नहीं देखते कि मुझे शेयर्स दे दे, आप जाते हैं ब्रोकर के पास, आप जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा समझाने के लिए। देखो, एक बात समझो प्लीज, हाँ बहुत फोकस से सुनना ये, क्योंकि बहुत अहम है। कंपनीज क्या करती हैं, जब लोगों से पैसे चाहिए होते हैं ना, तो कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल में से शेयर इशू कर देती है, वो होता है पेड अप कैपिटल, वो होता है पेड अप कैपिटल। अब लेट्स से मैंने 2 मिलियन में से 1 मिलियन शेयर्स लोगों में बांट दिए, अब वो 1000 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, व्हाट सो एवर, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, अब मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, अब हम एक लिस्टेड कंपनी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे आपको देखेंगे एक शेयर कितने का चल रहा है, एक शेयर। अगर वो शेयर आपको खरीदना है तो ब्रोकर्स की लिस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोकरेज हाउसेस। क्या कहते हैं? अच्छा, आप जाते हैं ब्रोकर के पास, आप कहते हैं कि भाई मुझे इस फलाना कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, वो आपको, देखो ये पूरी कहानी बड़ी अहम है, वरना ये लॉजिक नहीं समझ आएगी, रट्टा लगा लो कि बाकी गेम हो जाएगा, पर ये पूरा गेम नहीं समझ आएगा। सुनो, वो चला जाता है ब्रोकर के पास, ब्रोकर का काम यह है कि उसको एक सेलर अरेंज करवा के दे। क्या करवा के दे? देखो भाई, अगर मुझे एक शेयर बाय करना है तो मैं क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर चिल्लाऊंगा भाई ये चाहिए ये शेयर चाहिए, या किसके पास जाऊं? क्योंकि उसके पास बाय की भी डिमांड आती है, सेल की भी डिमांड, मतलब लॉजिकली समझो इस बात को। मैंने क्या, मैंने उसको अपनी इंटेंशन बताई कि भाई मैं ये शेयर इतने पे खरीदने को तैयार हूं, वो लगा देगा ऑफर, वो लगा देगा जो भी अपनी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यूज कर रहा होगा ना, वो बोलेगा हाँ जिसके पास इस एक्सवाईजी कंपनी के शेयर है ना, वो अपनी बिड प्राइस लगाएंगे।
वो अपनी पहले उसने ऑफर किया मैं इतने पे खरीदने को तैयार हूँ, वो बोल रहे कि हाँ भाई मैं इतने पे बेचने को तैयार हूँ, क्या ये सौदा हो जाएगा? और हम ब्रोकर से हाथ मिलाएंगे बोलेंगे चल अल्लाह हाफिज, या वो कमीशन चार्ज करेगा, उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं? तो वो कोई हमारी भुप्पी का लड़का तो नहीं है ना बोलेगा हाँ भाई दोनों को मिलवा दिया अब अपना खेल लो हम जा रहे हैं। उसका काम है क्या चार्ज करना? कमीशन चार्ज करना। दैट इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ IFRS 9 ट्रांजेक्शन कॉस्ट। पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है ऑनलाइन जल्दी से बताओ, जल्दी से जानी पीछे क्लियर है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा अब हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लेके चल रहे हैं कि अब हम ये समझ रहे हैं कि हम सामने वाले बंदे से खुद मिल लिए, बीच में कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट का अमल दखल नहीं है। विदाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब समझ आ गया? क्लियर है? ओके आगे हमने कहा कि भाई ABC लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ DEF ऑन January 1, 2018। यह है डेट ऑफ एक्विजिशन। ये क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा हमने कहा कि भाई फेयर वैल्यू इस दिन के ऊपर ₹25 पर शेयर है। कितनी है? ₹25 पर शेयर। मुझे आप एक बात बताएं, डे वन पे जब मैंने इसको एक्वायर किया मैं किस पे रखूंगा इसको? पहले तो फेयर वैल्यू पे। पहले किस पे? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे सही है। मॉडल तो बाद में देखते हैं ना। अगर मेरा नियत है कि भाई मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा तो कौन सी चुनूंगी? ये वाली। और अगर बेचना खरीदना है तो? चलिए एक और बात बताओ, लेट्स से अगर मैं कहूं मेरी नियत थी बेचने खरीदने की और मैं इसको 3 साल तक भी ना बेचूं तो क्या मना है? डिसाइड तो हो गया ना, पर उसके गेन्स भी कहां जाएंगे? PNL में। लॉस भी कहां जाएंगे? PNL में। वो कहता है आप पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें कहां पे उन शेयर्स को रखा हुआ है। अगर वो ऐसे पोर्टफोलियो के साथ रखे हुए, यहां पे पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपने 10-15 कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होंगे, उसमें से 5 कंपनीज की ऐसा पोर्टफोलियो है आपका। पोर्टफोलियो का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक वाइज आपने 5 कंपनीज का ऐसा पोर्टफोलियो रखा हुआ है जिसमें आप ट्रेडिंग नहीं करते, और 6 कंपनी का खरीद के आपने वहां चिपका दिया जिसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो टेक्निकली वो कौन से शेयर होंगे? फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले। पर ये हमें पता लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंटेंशन से जब वो परचेस करते वक्त अप्रूव करेंगे। बात क्लियर? चलें खैर आगे। अब मुझे एक बात बताएं, मैं पहले दिन पे क्या एंट्री बनाऊंगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट मेरा फाइनेंशियल एसेट है और शेयर ऑफ अनदर कंपनी है, तो हमने सबसे पहले यह किया इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। कितने से? 2.5 लाख रुपए से। यहां तक कोई मसला? अच्छा अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि मैं पहुंच गया 31 दिसंबर के ऊपर, 31 दिसंबर के ऊपर, तो मुझे आप सिर्फ इस बात पे बताएं कि 31 दिसंबर के ऊपर जब मैं पहुंचा तो क्या आपको ये बात समझ आती है मेरे एक शेयर की वैल्यू केस वन में ज्यादा हो गई है? कितने से? तो हमने ये कहा कि भाई अब हमारे पास 31 दिसंबर के ऊपर इन्वेस्टमेंट डेबिट और OCI क्यों किया? क्योंकि सर मॉडल क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा अब इसकी रिपोर्टिंग भी सिखाता हूं एक मिनट में। मैंने कहा व्हाट इफ आप अज्यूम करें कि आपका होता केस बी, व्हाट इफ तो क्या होता? लॉस होता। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है डिक्रीज? तो सर आपका एसेट हो जाता क्रेडिट और OCI हो जाता। देखो 50,000 की अमाउंट सही है क्योंकि हमने कहा मुझे एक शेयर पे कितने का नुकसान हो गया? 5 रुपए का 10 रुपए का 5 रुपए का। शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो मुझे बताया कितना हो गया टोटल? 50,000। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? बट इसी केस को अगर मैं यहां पे ऐसे पुट अप करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर, इसको हम ऑन कर लें। अच्छा भाई फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर हमारे पास अगर मैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाऊं, क्योंकि रिपोर्टिंग का पेपर आगे जाके सब मिक्स हो जाएगा ये, तो इन्वेस्टमेंट, हां भाई केस ए के अंदर कितने पे आएगी? हां जी इन्वेस्टमेंट आ गई केस वन के अंदर, जल्दी से बताओ कितने पे? 350 पे। अच्छा 350 पे ऐसे आएगी सर आपके पास शेयर्स कितने हैं और एक शेयर कितने का है? 35 का। और नीचे में इक्विटी के अंदर OCI रिजर्व कितने का?
कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपको ये बता रही है कि आपके पास अब तक टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी हुई है, 350 की, जिसके अगेंस्ट में रिजर्व कितना है, 1 लाख रुपए का। क्या ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल है? क्यों? रिजर्व में है, ये डिस्ट्रीब्यूट तब होगा जब आप शेयर्स को बेच देंगे, वो हम सीखेंगे, रीक्लासिफिकेशन। अच्छा, व्हाट इफ इसी का अगर मैं केस 2 बनाऊं, तो उस केस के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कितने पे आएगी, 2 लाख रुपए पे, और एक्विटी के अंदर हमारे पास रिजर्व आ रहा होगा कितने का, 50,000 रुपए का नेगेटिव। अच्छा, दिस शोज कि हमने अब तक गेन किया या लॉस किया है, कितने का, 50,000 रुपए का। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है, पक्की बात है? चलें जी, अब हमने कहा कि भाई सर वापस यहां पर आते हैं, अब अदर साइड ऑफ द टेबल देखते हैं, फिर हम इसको कॉपी करते हैं, फिर तुम एक सवाल करोगे। हमने कहा सर पहले दिन पे क्यों फर्क नहीं है, इस पे भी फेयर वैल्यू पर रखा हुआ है, उस पे भी फेयर वैल्यू पर रखा हुआ है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि भाई मैं रिपोर्टिंग पे पहुंचूं, तो यहां पे सिर्फ OCI की जगह क्या हो जाएगा, PNL हो जाएगा, और यहां पे सर OCI की जगह क्या हो जाएगा, PNL। पर ये लॉस उड़ के कहां जाएगा, रिजर्व में या रिटेन अर्निंग में, रिटेन, बस ये फर्क है। अच्छा, अब एक सवाल है यहां पे, सर हम 350 से 2 लाख पे क्यों नहीं आए हैं? अच्छा, देखो देखो देखो, वो बच्चा समझ रहा है कि 350 है, देखो या तो ए केस है या तो बी केस है, आपने कंपेयर करना है 2.5 लाख रुपए से, सही है, दोनों अलग अलग केसेस है, अहमद। अच्छा जी, अब प्लीज इसी इलस्ट्रेशन को कॉपी करें और फिर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट को फिर हम एक सवाल करते हैं जल्दी से। तो वही तो कह रहा हूं, पोर्टफोलियो डिसाइड होता है, बिल्कुल अलाउड है, अलग अलग रख सकते हैं। पर अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं, आप बताएं कि एक ही कंपनी के कुछ शेयर्स फेयर वैल्यू से OCI पे और एक ही कंपनी के कुछ शेयर्स अलाउड नहीं है? अच्छा, अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पोर्टफोलियो। डिबेंचर मैंने सिखाया नहीं, वो कौन सी सिक्योरिटी है, डेट सिक्योरिटी है, सही है, ये कॉपी कर लें जल्दी से जानी। बैलेंस शीट दिखाता हूं अभी, बस एक मिनट। यानी पेरेंट सब्सिडियरी अभी तो बहुत आगे है यार, कंसोलिडेशन है वो। अलग अलग हो सकती है, वैसे तुम सवाल पूछ रहे हो तो उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। हाँ जी, आगे लेके चलें। अच्छा, अगर ICAP के पेपर्स की हिस्ट्री को उठा के देखें तो उसने हाफ ऑफ द टाइम, यानी अगर पिछले 5 साल उठा के देखो तो उसने हाफ ऑफ द टाइम उसने पूछी है रिपोर्टिंग यानी बैलेंस शीट या PNL के एक्सट्रैक्ट्स, और हाफ ऑफ द टाइम उसने पूछी है अकाउंटिंग एंट्रीज। तो आपको दोनों आनी चाहिए, और कुछ तो ऐसा पूछा है IAS 8 के साथ कि अकाउंटिंग हो गई है बट गलत हुई है, उसको आपने क्या करना है, सही करना है। पर सही तब कर पाओगे जब सही अकाउंटिंग आती होगी, वो अभी देखते हैं सवालात। वैसे अगर एक कंपनी से अलहदा अलहदा शेयर्स परचेज करें तो हम उनको OCI और PNL में रख सकते हैं, अलहदा अलहदा मतलब 5 मिनट बाद जाके खरीद लिए तो अलग हो गए उमर, यही तो कह रहा हूं, एक ही कंपनी से अगर 1 महीने के फासले भी शेयर्स परचेज किए तो क्या उसको अलग रख सकते हो, नहीं। यस, अप्लाई होती है, अहमद बिल्कुल होती है। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे एक सवाल आया है कि सर एक कंपनी ने अगर मार्केट प्राइस से सस्ता परचेज किया है, पहले तो प्रैक्टिकली पॉसिबल, अगर चलो आपने परचेस कर भी लिया तो आपके लिए कॉस्ट तो वही है ना जो सस्ती है, तो क्या उसको ज्यादा वैल्यू पे रखोगे या कम पे? कम पे, और सब्सिक्वेंटली वो खुद ब खुद किस पे चली जाएगी, फेयर वैल्यू पे, तो आपको फेयर वैल्यू गेन हो जाएगा, क्लियर है?
मतलब ये तो सीधा लॉजिक है। चलें जी आगे लेके चलें इसको, बैलेंस शीट देख लें, ये रही अच्छा, अगर यही फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होता तो यही 1,00,000 रुपए कहां दिख रहे होते, रिटेन अर्निंग के अंदर। बिल्कुल सही, भाई डन हो गया। आप लोग तो एक साथ ही बना लेना केस वन केस टू। डन है, ओके। अच्छा भाई अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको देखते हैं विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर। उसके लिए आपने पे समझना होगा, फिर हम एक सवाल करेंगे और फिर आप इस पे जाएंगे। अच्छा यार प्लीज फोकस के साथ यहां पे। अब अपने पास आप हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टर विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी आपको जब रिवाइज करना हो तो आप एग्जैक्ट उस टॉपिक पे जाकर देखें, अगर वो कॉन्सेप्ट देखना है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं अभी बताता हूं वो। अच्छा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट, चलें जी हमने कहा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की। वो कहता ही है कि भाई आप जब किसी ब्रोकर के पास शेयर्स परचेस करने गए तो आपने कहा कि भाई आपने लेट से शेयर्स परचेस किए हैं 10,000 और आपने कहा एक शेयर की फेयर वैल्यू जो चल रही है वो है 25 पर शेयर। अब आपका जो ब्रोकर है वो ये कह रहा है कि भाई आपने अगर ये मुझसे शेयर परचेस करने हैं तो आपने पर शेयर के हिसाब से मुझे 1% का कमीशन देना है। कितने परसेंट का? 1%। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कितने परसेंट है, 1%। आज के बाद हम किया ये करेंगे कि अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अपनी प्राइस में एम्बेड करेंगे, शेयर प्राइस में। बता रहा हूं क्यों, आगे जाके जब आप फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे ना और मल्टीपल शेयर्स आ गए तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वापस से रिपीट करता हूं, एम्बेड करने का मतलब सिखाता हूं। मैंने कहा फेयर वैल्यू कितनी है 25, मैंने कहा मेरी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो है 25 का 1%, कितना आ गया। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो यहां पर ये अमाउंट आई है वो आई है 25.25। कोई आपसे ये पूछे ऑनवर्ड्स कि आपको एक शेयर कितने का पड़ गया तो आप 25 कहेंगे या 25.25? तो पहले तो 25 का था, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं थी। तो यहां पे एक चीज सीखी हमने कि सर हमें IFRS ये कहता है, हमें IFRS ये कहता है, बहुत सुकून से समझना, हमें IFRS ये कहता है कि जब भी फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मॉडल होगा तो आपने इनिशियल रिकॉग्निशन जो करनी होती है वो करनी होती है फेयर वैल्यू प्लस, इसकी भी लॉजिक देता है वो। बोलता ये कि जब मैं आपको कुछ भी पीएनएल में लेके जाना अलाउ नहीं कर रहा, बात समझिएगा बहुत फोकस के साथ, वो कह ही रहा है कि जब मैं आपको इनिशियली कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाने की इजाजत नहीं दे रहा तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाएंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे। उसको क्या करेंगे, यहां पे हमने एक्सपेंस आउट किए, कैपिटलाइज किए। इनिशियली मेरी इन्वेस्टमेंट 25 पे होती है, पर 25 पे होगी 25.25 पे,
तो हमने बातों बातों में कॉन्सेप्ट सीखा कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का पहले तो मतलब सीखा कि मतलब ये क्या रखेंगे फेयर वैल्यू पे चेंजेस कहां से और यहां पे कब आएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। और फिर आज के बाद मैं आपसे पूछूं इसको इनिशियली किस पे रखोगे, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। अच्छा फिर आपसे ये लॉजिक पूछूं कि वाई वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन टू पीएनएल, क्योंकि कोई भी चीज जब अलाउ ही नहीं कर रहा वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने के लिए, तो ये तो नाजायज बात है ना कि इसको मैं किसमें ले जाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि अलाउड नहीं है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं यहां पर अभी एज ऑफ नाउ मैं डे वन पे एक एंट्री बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा ये एंट्री बनाऊंगा तो मैं करूंगा सर 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई 25 से, सर 25.25 से कितना आ गया 252, हमने कहा सर ये आ गया 252,500। अब लेट्स अज्यूम के 31 दिसंबर के ऊपर हमारी जो एक शेयर की वैल्यू है वो 36 पर शेयर हो जाती है, तो आप जरा मुझे गाइड करें, प्लीज सुनिएगा, आप जरा मुझे गाइड करें कि अब मैं 25 से कंपेयर करूंगा या 25.25 से। दैट वाज द रीजन मैं एक प्राइस में एम्बेड, भाई एक चीज जितने पे है उससे कंपेयर होगी, 25 से कंपेयर नहीं होगी। तो अब हम यहां पर इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करूं, ओसीआई को। सर कंपैरिजन में कुछ वर्किंग इस तरीके से होगी, हमने कहा सर यहां पे 36 माइनस इंटू 107 और हमने कहा ये आ गया 107,500। अच्छा आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसीडर क्यों नहीं किया रिपोर्टिंग पे, नहीं नहीं इसका जवाब ये नहीं है, वेरी गुड। ट्रांजेक्शन कॉस्ट तब आएगी जब ब्रोकर बाबू आएंगे। अब खुद मुझे बताओ ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट कब थी, अच्छा आप आगे देखेंगे बेचना भी, तो ब्रोकर को हम कंसिडर करेंगे खरीदते वक्त और बेचते वक्त। क्या रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हम कुछ खरीद रहे हैं या अपने हिसाब से मार्क टू मार्केट कर रहे हैं, मार्क टू मार्केट का मतलब है आपने शेयर्स को मार्क कर रहे हैं मार्केट से। तो आज के बाद अगर मार्क टू मार्केट बोलूं तो इसका मतलब यह है कि आपने शेयर्स को किस पे लेके जा रहे हो, फेयर वैल्यू पे। ऐसा तो नहीं है ब्रोकर को कॉल करोगे जानी बता तो सही क्या प्राइस चल रही है, बोलेगा खुद जाके देख ले, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें लाजमी नहीं है। पहले बताओ विथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब समझ आया, चले इस इलस्ट्रेशन को कॉपी करें, बेचते वक्त भी होगी ना, जब बेचने जाओगे ना तो बोलेगा बाबू किधर इसमें से भी कमीशन, यानी खरीदते वक्त भी पैसे बेचते वक्त भी पैसे दोनों में देना पड़ेगा हमें। इसको कॉपी कर लें प्लीज जानी, हसन ऐसा नहीं बोल, हसन बोल रहे ब्रोकर बन जाओ, कैसी बातें कर रहे है? नमाज ब्रेक यार, अभी वैसे ही कितने बजे तक क्लास है हमारी, 6:30 तक है ना आज, अच्छा ये तुम लोगों को याद रहता है, हाँ ऑडिट कितने 6:15 है ना, बीच में गैप है ना उसमें नमाज हो जाएगी। अच्छा मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक बच्चे ने वापस सवाल किया, भाई अगर मैंने शेयर 25 रुपए के बजाय 24 रुपए पे खरीदा होता तो इनिशियल कैपिटलाइजेशन किस पे होती, 24 प्लस 1% ऑफ 24। अब वो सब्जेक्ट हो कि आपको शेयर सस्ता मिला, ऐसा तो नहीं है कि चीज सस्ती मिलेगी रिकॉर्ड ज्यादा पे करोगे, ऐसा अलाउड नहीं है। हाँ बिल्कुल क्लास 5 पर रखें ताकि नमाज पहले ही हो जाए, सही हम अगली बार से ऐसा करेंगे। ट्रांजेक्शन परसेंटेज फेयर वैल्यू की लेनी है या परचेज प्राइस की, अच्छा भाई तहा मुस्तफा पूछ रहे हैं एक अच्छा सवाल है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट की परसेंटेज किस पे लगेगी, परचेज प्राइस पे, एंड परचेज प्राइस 100% केसेस में फेयर वैल्यू होती है, परचेज प्राइस 100% केसेस में क्या होती है, फेयर वैल्यू होती है। यार 8 to 9 मार्क्स का सवाल आता है इससे, इसको स्क्रॉल डाउन करूं,
यस एग्जैक्टली ऐसा ही है फैजान। अच्छा भाई ऐसा क्या है ये भी बता दो, अगर ब्रोकर आपको बोले भाई परसेंटेज नहीं चाहिए इतने पैसे चाहिए तो वो सिंपल उसको ऐड कर देना, कोई मसले वाली बात है? सही भाई, ये मसला भी हल हो गया। अच्छा एक बच्चे ने सवाल पूछा है, ये तो खैर मुझे वैसे भी क्योंकि मैं ग्लोबल ट्रेनिंग देता हूं तो मुझे पता है, तो सुनो भाई एक बच्चे ने सवाल पूछा, अच्छा वैसे ही पर ये आउट ऑफ द बॉक्स तुमने पूछा है अलग जाके कहीं। बच्चा पूछा है सर गोल्ड, क्या गोल्ड हमारा फाइनेंशियल एसेट है? फाइनेंशियल एसेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रीजन, राइट टू रिसीव कैश भी नहीं है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी भी नहीं है और कैश भी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। और इसकी डेफिनेशन से भी मैं तुम्हें प्रूफ करता हूं उसको। डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन पार्टी। पर चलो अगर तुम ये कह भी लेते ना एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट है, दूसरे की ऑब्लिगेशन ही नहीं है, बात समझ आई? तो आपने साइमल्टेनियसली दोनों को देखना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में इस वाले पैरामीटर में बैठता नहीं है। सही जी, तो ये आपका एक कैपिटल एसेट है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी और आप उसको सीधे सीधा कहां लेके जाएंगे? पीएनएल में। सही है जी, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, मतलब सोना किसी के मुंह पे देके मारेगा क्या? हाँ कैपिटलाइज नहीं, कैपिटल एसेट तो है ना तुम्हारा है। अबे वो टैक्स सिखा रहा हूं अकाउंटिंग। चलो जी इधर सुनो। अच्छा भाई अब इधर आ जाएं जी, मुझे जल्दी से आप इसकी अकाउंटिंग करके दिखाएं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से, जल्दी। इनिशियल कैपिटलाइजेशन कितने पे हुई है इसमें? मुझे पता है सब भर मारोगे। अब देखो आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना, 4,02,000। अच्छा कितने चर्सी ऐसे जिन्होंने उसको 10 से डिवाइड नहीं किया कैपिटल को? अल्लाह की कसम है सच बताना, ये किया है? ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है। तुम लोगों ने पता है मेजोरिटी बच्चों ने क्या किया है, इस पे चिपका हुआ मल्टीप्लाई कर दिया। ये शेयर कैपिटल है, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ख्याल रखना इस बात का। ये तुम लोगों ने पहले भी ईपीएस में भी यही भरवा दें, वो तो मैं शक्लें देख के मुझे याद है इसलिए कह रहा हूं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है ना, ये इसको 10 से डिवाइड किया, पावर वैल्यू कितनी होती है शेयर की? नंबर ऑफ शेयर कुछ भी नहीं करना बेटा, अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी ना तेरे से। अबे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेगा ना, एक शेयर कितने का खरीदा तूने? चल तू ऐसे अकाउंटिंग करके दिखा, नहीं हो सकती ना जी। बिल्कुल अच्छा भाई, ये कह रही है कि 2.828 पहला सवाल है तुम लोगों का, पहला सवाल है 4,24,200 ये इनिशियल कैपिटलाइजेशन है। चलो जी डिविडेंड इनकम,
अच्छा देखो, डिविडेंड के ऊपर कोई पंगा नहीं है, वो तो सीधा सीधा रिसीव होगा, सीधा सीधा इनकम में चला जाएगा, उस पर कोई मसला नहीं है। अच्छा इनिशियल कैपिटलाइजेशन इतने पे, ये 28.28। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल कैपिटलाइजेशन आ गई आपकी 424,200, ये आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन है। चलें जी, अब मुझे डिविडेंड की अमाउंट बताएं। 30, 3 बोल रहा है एक बच्चा, 20%। देखो डिविडेंड निकालने का तरीका है, सामने वाली कंपनी ने अपने तमाम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया होगा, हाँ या नहीं? तो उसने कहा कि सामने वाली कंपनी ने 1,000,000 पे लगाया होगा कितना परसेंट, ये आ गया हर एक शेयर होल्डर का डिविडेंड, जो किसने दिया होगा, इशुअर ने, किसने दिया होगा, इशुअर ने। अच्छा 1,000,000 का 20% आ गया 2,00,000, इसमें से मुझे पूरा मिल जाएगा कितना परसेंट? सर आपने कहा आपको मिलेगा इसका सिर्फ 15%, कितना आ गया, हमें सिर्फ 30,000 मिलेगा इसमें से। तो अब अगर हम ये कहें कि भाई हमारे पास यहां पर यही है, चलें जी अब आखिरी एंट्री, अच्छा 10 से हसीब इसलिए डिवाइड किया ना क्योंकि ये रुपीस दिया हुआ है, रुपीस शेयर कैपिटल की अमाउंट दी हुई है, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, फेयर वैल्यू गेन कितना आ रहा है? यही है 100,800। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? अच्छा देखो, अब वो मैक्सिमम क्या करेगा, नंबर्स में घुमाएगा, डिवाइड नहीं करा हुआ होगा, कैपिटल दिया हुआ होगा, बोनस शेयर आ जाए सामने वाले की तरफ से, राइट आ जाए, तो वो सब इम्बेड करेंगे इसके अंदर, बट सुकून से। पहले बेसिक बेसिक अकाउंटिंग, आज के बाद मैं आपसे तुमसे पूछूं कि इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कितने पे होगी, फेयर वैल्यू प्लस, अच्छा अगर डिविडेंड मिलेगा वो सीधा सीधा कहां जाएगा, पीएनएल में, और सब्सिक्वेंटली किस पे रखोगे, फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू के चेंजेस कहां से जाएंगे, ओसीआई से। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करोगे या कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करेंगे। आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कब आओगे, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। चलिए जी, ये बात तो हो गई हमारी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की, अब जरा चलते हैं अगली चौरंगी पे ताकि ये मामला खत्म हो। अच्छा भाई, अब हमने कहा सर हम इसी पे बात कर लेते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, बहुत फोकस होके देखना भाई। ये हमने कहा सर वही एग्जांपल, फेयर वैल्यू पर शेयर कितनी थी, 25 पर शेयर। हाँ भाई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी रखी थी हमने, 1%, और हमने कहा था नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000। अच्छा अभी भी कारस्तानी वही है, फेयर वैल्यू आपने रखी 25 और आपने इसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड की 0.25 की। इसने कहा भाई ये आ गया 25.25, फोकस होके देखना, पहली एंट्री आगे सब सेम है, फोकस होके। हमने ये कहा कि भाई अब हम इनिशियल रिकॉग्निशन जो करेंगे इन्वेस्टमेंट की, और यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, कैश क्रेडिट। अच्छा आप जरा बात है समझने की यहां पर, अब हम ये करेंगे यहां पर कि भाई मैंने यहां पर सबसे पहले कैश निकालना है, कैश कितना गया मेरी जेब से, मुझे बताओ क्या मैं 25 जो दूंगा, तुम लोग मुझे बताओगे, जो ये 25 रुपए मैं दूंगा ब्रोकर को दूंगा या उस बंदे को जिससे मैं खरीद रहा हूं, पर ब्रोकर के जरिए जाएंगे और ब्रोकर मुझसे एडिशनली कितने चार्ज कर रहा है। अच्छा पंगा ये है कि 25 रुपए तो कैपिटलाइज होंगे, सवाल है ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी। वो कहता ही है आपको IFRS 9 के, जब आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मॉडल पे आ गए तो आपको सारी चीजें कहां लेके जानी है,
तो आप इस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी इमीडिएटली कहां लेके जाएंगे, तो उसमें क्यों नहीं लेके गए थे, उसमें कुछ भी अलाउड नहीं है, यहां पे जो भी है सब कहां जाएगा, पीएनएल में। तो हम ये कहेंगे कि कैश के पर्सपेक्टिव से मेरे पास से जो पैसा गया है वो 25.25 × 10,000 गया, तो ये आ गया 25, यही है भाई। अच्छा भाई, अब इन्वेस्टमेंट कितने पे आ गई, ये आपके पास स्ट्रेट चली गई कहां पर भाई, इसको अभी सही कर लेते हैं भाई, ये चली गई सीधी सीधी पीएनएल के अंदर। तो हमने कहा भाई इसको हमने कटा दिया यहां से, ये लो भाई सही है। अच्छा भाई ये कहां चली गई, पीएनएल के अंदर। अच्छा अब अगर लेट्स से सब्सिक्वेंटली डिविडेंड आता है, क्या उसकी अकाउंटिंग में कोई चेंज है, नहीं। पर अब अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे जाओगे तो 25 से कंपेयर करोगे या 25.25 से, तो पहले तो 25.25 से किया था सर, पहले आपने कैपिटलाइज किया था, इसमें आपने कैपिटलाइज, तो आप कंपेयर उससे करेंगे वो चीज जितने पे कैरी हो रही है, पहले तो बात क्लियर है। इसको एक बेसिक एग्जांपल को सिर्फ कॉपी करो, फिर हम वो वाली इलस्ट्रेशन करते हैं जल्दी से। इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन होगी ओनली फेयर वैल्यू पे एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी एक्सपेंस आउट। ऑनलाइन वालों क्लियर है ये बात, जल्दी बता दो भाई। इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी ओनली एट फेयर वैल्यू, ये लिख लीजिएगा अपने पास। कहा वही केस रखा मैंने, बट सिंपल इसमें कहता ही है कि जो आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे किया ना, उसको कैपिटलाइज करने के बजाय आप सीधा सीधा उसको एक्सपेंस आउट कर देना पीएनएल में, क्योंकि यहां पे आपकी तमाम चीजें स्ट्रेट कहां जाएंगी, पीएनएल में। तो दोनों मॉडल्स में इनिशियल रिकॉग्निशन का ये फर्क है। बिल्कुल फेयर वैल्यू गेन फिर 25 से देखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ भाई करें सवाल, ये राजी। अब रिक्वेस्ट ये है कि इसी सवाल को आप ऑल टुगेदर किससे करके दिखा दें, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से, बस ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। आप चाहें तो अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं, हमने पहले कैसे बनाई थी, एक ही साथ, एक साथ बना दो तो भी बात एक ही है, अलग बना दो तो भी बात एक ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, 4,200 पीएनएल में जाएगा सीधा। बाकी अगर हम देखें तो डिविडेंड सेम रहेगा, 1,05,000 क्यों आ गया। अच्छा अगर वैसे हम एक बात करें प्लीज, आप लोग बताएं मुझे, 1,05,000 को अगर 4,200 से नेट करो, 1,05,000 माइनस 4,200 यही बनता है। यानी टेक्निकली दोनों अकाउंटिंग्स के मॉडल में, प्लीज खुदा के वास्ते इस बात को समझना, दोनों अकाउंटिंग के मॉडल्स के अंदर ड्राफ्ट इस तरीके से किए गए, बनाए इस तरीके से गए कि अमाउंट्स में फर्क नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन में फर्क आएगा। अगर तुम मेरी बात पे यकीन करो, मान पाओ, प्लीज फोकस होकर यहां पे इस बात का जवाब देना, क्या मैं कह सकता हूं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर ये वाली अमाउंट रिजर्व में मौजूद है, ये वाली अमाउंट कहां मौजूद है, रिजर्व में मौजूद है। और मैं ये कह रहा हूं कि इतनी ही अमाउंट उस वाले मॉडल में रिटेन अर्निंग में मौजूद है। सर ये कैसे, यहां पे तो 1,05,000 आ रहा है, ऊपर एक्सपेंस भी है ना, तो आप ये इनकम को अपने पीएनएल में इस एक्सपेंस से जब नेट करेंगे तो इट विल बिकम 100,800, और यही 100,800 का नेट प्रॉफिट कहां जाएगा,
रिटेन्ड अर्निंग में। तो मैं आज के बाद आपसे कोई पूछे, मतलब वैसे ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यूअर होता है वो ये बहुत सी चीजें पूछता है ऐसी जिसका आपको ख्याल रखना होगा। वो आपको सिंपल ये पूछेगा, कैन यू प्लीज इलेबोरेट दैट वेदर देयर इज एनी डिफरेंस इन अमाउंट्स इन बोथ मॉडल्स। जवाब क्या है? क्यों? क्योंकि अमाउंट का फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि क्लासिफिकेशन का फर्क है। अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट में जो चीज जहां जा रही है उसका फर्क है, बाकी अमाउंट में कोई चेंज भाई वहां पे भी 10 रुपए का गेन होगा तो यहां भी 10 का गेन होगा, वहां 15 का गेन होगा तो यहां भी 15 का गेन होगा, पर फर्क कितना है? वहां पे ओसीआई में होगा, यहां पे पीएनएल से रिटेन अर्निंग में होगा। मसला क्लासिफिकेशन का है ताकि कोई मैन्युपुलेशन ना हो सके। अब लेट्स से इन्वेस्टर आता है, बोलता है यार ये तो हमें नुकसान है, ये तो हमें नुकसान है, आपने तो हमें बोला कि भाई आप ओसीआई में रखो, तो हमने कहा था आप ही की मस्ती थी, आपको कहां जाना था लॉन्ग टर्म पे, तो आप कहां आ गए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। वो बोल रहा है व्हाट इफ मुझे इससे डिविडेंड देना है, बात समझिएगा कौन कह रहा है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कह रहा है व्हाट इफ मुझे इससे डिविडेंड देना, तो हम उसको कहेंगे आप पहले एक काम ये करें, इन शेयर्स को उठा के बेचें, इन शेयर्स को उठा के आप लोग मुझे बताएंगे कि ये शेयर्स कितने पे बिकेंगे, 35 पे, ये शेयर्स कितने पे बिकेंगे? सर आपने खरीदे तो 28 के थे, चेंज हो गया ना, अब मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 35 की हो चुकी है। अच्छा जब ये शेयर्स 35 पे बिकेंगे ना तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, हम अगली क्लास में सीखेंगे, डिस्पोजल अभी नहीं सिखा रहा, जब मैं बेचूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट अभी मेरी किताबों में कितने पे, 35 के हिसाब से ही है ना। यहां पर अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं, यहां पर अगर हम बनाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट, अच्छा मैंने कितने शेयर्स परचेस किए हैं, 15,000, और 15,000 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ गया, जल्दी बताओ, 35 पे है ना, 525 है। ओके जी, हमने कहा 525,000 और हमारे पास ओसीआई के अंदर गेन मौजूद है इतने का, पर ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है वो वाली जो कि डिस्पोजल से पहले, ये कौन सी बैलेंस शीट है, डिस्पोजल से पहले। अब व्हाट इफ मैं ये कहूं कि भाई मैंने इसको बेच दिया, बहुत सुकून से समझिएगा, पीएनएल वाले में गेन ज्यादा आ गया? नहीं भाई, पीएनएल वाले में गेन ज्यादा नहीं आया, ये जो गेन आया ना इसमें ये एक्सपेंस भी तो नेट करोगे, तो गेन और एक्सपेंस दोनों नेट करके ये बचता है 100,800, क्योंकि पीएनएल में यही आएगा ना। चलिए जी, खैर अब हम इसको वापस यहां लेकर आए, प्लीज यहां फोकस। अब मैं अगर कहूं कि मैंने इस इन्वेस्टमेंट को ऑल टुगेदर बेच दिया, मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे, 525, तो मैं एक यहां पे एंट्री बनाऊंगा, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से भाई, अज्यूमिंग कि यहां पे ब्रोकरेज अभी इनकम नहीं की मैंने, 525 आ गया, क्या मेरी बैलेंस शीट से ये इन्वेस्टमेंट कट के कैश आ जाएगा? अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, देखो ये डिस्पोजल का पहला केस सिखा रहा हूं, अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जब आपने इन शेयर्स को बेचा, अभी भी आपको अलाउड नहीं है कि आप इसको पीएनएल में लेकर जाएं, आप इसको सीधा ओसीआई को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे सॉरी, और सर रिटेन अर्निंग को कर देंगे कितने के, 108,000 से। अच्छा भाई ये क्यों किया गया ये भी बता देता हूं, अभी मैंने कहा, उसने ये कहा कि भाई आपको तो मैंने वैसे ही मना किया था मैन्युपुलेशन से, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बेची और उस पर अगर कोई गेन है अब आप उस पर डिविडेंड दे सकते हैं, बशर्ते कि आप उस सिक्योरिटी को बेचें और जितना भी ओसीआई का गेन पड़ा हुआ था उठा के कहां फेंक देंगे, रिटेन। अब क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बन गया? बट ओनली वेन सोल्ड। पहले बताओ बात क्लियर है? चलिए जी, तो सर अब हम क्या कहेंगे, ओसीआई ओसीआई रहेगा या रिटेन अर्निंग बन जाएगा, और रिटेन अर्निंग में कितना आ गया? एक टेक्निकल सवाल पूछता हूं, तुमने बता दिया तो फिर यहां पे मजा आ जाएगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, व्हाट इफ यही मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होता, तो आपको कुछ ट्रांसफर करने की नीड होती है, ऑटोमेटिकली वही होता आपको कुछ ट्रांसफर करने की नीड, तो ये ट्रांसफर करने की नीड कब आती है, जब ओसीआई में होता है। चलिए जी, यानी अब एक मैपिंग कर लेते हैं, मैंने शेयर्स खरीदे फॉर द पर्पस कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, कौन सा मॉडल, ओसीआई, इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सबसिक्वेंटली किस पे रखूंगा,
फेयर वैल्यू का गेन आएगा कहां जाएगा? कब तक ओसीआई में रहेगा? जब तक बेच नहीं देते। चलो मैंने ये कहा, अगर मैंने बेच दिया तो क्या इसकी रिक्लासिफिकेशन होगी? यस, बट इनटू पीएनएल और डायरेक्टली इनटू रिटेन अर्निंग। तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि रिक्लासिफिकेशन, प्लीज सुनिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है, रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल इज नॉट अलाउड। रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल इज, बट रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम ओसीआई टू रिटेन अर्निंग इज अलाउड। क्योंकि वो कहता है मैं आपको कोई मैनिपुलेशन करने की इजाजत नहीं देता। पर आखिरी बात, अगर यही मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होता तो सारा का सारा गेन वैसे ही कहां होता? तो क्या मुझे कुछ ट्रांसफर करने की नीड है या सिर्फ शेयर्स बेचता? तो शेयर्स बेचने की एंट्री तब भी यही बनती, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों केसेस में मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे मौजूद है? 5.25 पे। पहले बताओ बात क्लियर है भाई? पक्का पीछे प्लीज क्लैरिटी दे दो उस पर। सर इन फेयर वैल्यू टू पीएनएल कैश फ्लोज में ट्रीटमेंट होगा कुछ कैश फ्लो में? वो तो इन्वेस्टमेंट्स मेड और परचेज, वो तो सारी हुई चीजें आएंगी ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, यानी कैश फ्लो यहां कहां ले आया? चलो तुमसे पूछ लेता हूं, कैश फ्लो की चीजें हो ना तुम लोग, तो बताओ फेयर वैल्यू गेन आ गया, अभी आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूं, फेयर वैल्यू गेन आ गया, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, प्लीज ना मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अभी जलील नहीं करवाना, तुम लोगों ने पढ़ा भाई है तो सुनो। मैंने ये कहा कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मॉडल है और फेयर वैल्यू गेन आ गया, क्या ये कैश गेन है नॉन कैश? तो एडजस्टमेंट्स में, वेरी गुड यार, बिल्कुल बेहतरीन चीते हो तुम लोग। वापस सुनो, मैंने इन्वेस्टमेंट्स की है, इन्वेस्टमेंट्स की है, तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा? क्योंकि ये प्रॉफिट में से माइनस, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरा, सिंपल इज दैट, सीधी सीधी बात है। अच्छा व्हाट इफ मुझे गेन आया बट ओसीआई में पड़ा हुआ है? नहीं, तो क्या कैश फ्लो में इंपैक्ट आएगा या नो इंपैक्ट? कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ना मेरा प्रॉफिट हिट नहीं हुआ। पहले तो बात क्लियर है भाई, सही है, तो कैश फ्लो भी हो गया, सही है। चले जी, मिलते हैं अगली क्लास में, क्विज आएगा इसका, लाजमी कर लीजिएगा आप, उसमें सवाल आने लग जाएंगे। सही है जी, थैंक यू।